जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉर्म्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन के लिए हम आपको टाइमर प्रोवाइड करते हैं। ये टाइमर जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूँ पूरे और पूरे 25 सेकंड का टाइमर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको टाइमर कम लगे तो वीडियो को पॉज कर लो, पर कोशिश करिए कि इसी टाइमर के अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है दोस्तों। बोल क्या रहा है, बोल रहा है ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिक्स मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, ठीक है। एक फैमिली में 6 सदस्य हैं। तो वन कपल हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन द फैमिली, एक कपल है उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे हैं फैमिली, मतलब हमें एक कंडीशन दे दी गई है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोल रहा है ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है वो बेटा है किसका, सी का। ए जो है बेटा है किसका, सी का, तो बना देते हैं। एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए, जो ई है वो डॉटर है किसकी, वो है ए की, तो ये लोग बना दिए। अब क्या बोल रहा है, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, सर कौन डी कौन एफ, जब ना पता लगे तो स्टेटमेंट को होल्ड पे रखो। एफ हु इज द मदर ऑफ ई, अब क्या बोल रहा है, एफ हु किसके लिए यूज होता है, सर लास्ट बंदे के लिए। F जो है F who is the mother of E, F किसकी मदर हो जाएगी, E की। अगर F E की मदर होगी तो वाइफ किसकी हो जाएगी, A की, तो यहां बन गया। हाँ जी सर पीछे आ जाओ। D is the daughter of F, D जो है अगर F की डॉटर होगी यानी कि A की डॉटर भी होगी, हाँ जी सर होगी। और A और D, E और D क्या बन जाएंगी, बहनें बन जाएंगी। सर अब देखो मेरे पास 5 मेंबर्स आ चुके हैं, 5 मेंबर्स के आने के बाद ना हमारे पास देखो कपल आ चुका है, सर बिल्कुल कपल आ चुका है, सर चिल्ड्रन भी आ चुके हैं, देखो इनके बच्चे भी आ चुके हैं। अब हमारे सिर्फ एक बंदा नहीं है, कौन वो है सर, कपल नहीं, हम पेरेंट्स नहीं है हमारे पास। सर पेरेंट्स के लिए काम करते हैं ना, कंडीशन तो फुलफिल करनी ही है, कंडीशन तो फुलफिल करनी ही है ना जो ये पूरी दी है। तो सर एक काम करते हैं ना, सी और बी की करा देते हैं शादी, तो ये पेरेंट्स बन जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि कंडीशन फुलफिल करनी है। उन्होंने ये नहीं बोला कि जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए या फीमेल होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ ये बोला है पेरेंट्स होने चाहिए, पेरेंट्स का जेंडर नहीं पूछा गया, बस बन गया। हाँ जी सर 6 हमारे जो बंदे थे वो पूरे हमारे पास आ चुके हैं और हमारे पास अब पेरेंट्स भी हैं, ठीक है दोस्त। अब पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल, तो पेरेंट्स कौन है कपल का, तो कपल है ए और एफ, तो उनके पेरेंट्स कौन है, सी और बी। सी और बी कहीं दिख रहा है, सर देखो बी ऑप्शन में दिख रहा है, बी और सी, तो यही तो हमें चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पे, लो इस क्वेश्चन के लिए लो आप अपना 10 सेकंड का टाइमर, 10 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। दोस्त बोल क्या रहा है, देखो बोल रहा है ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, जितने भी एक्टर्स हैं वो क्या हैं, गर्ल्स हैं, तो ठीक है ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स। ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, जितनी भी गर्ल्स हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल, ऐसे ही बनेगा वेन डायग्राम, सर बिल्कुल। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, सर ये रहे एक्टर्स ये रहे ब्यूटीफुल, तो ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल बिल्कुल सही बात है, टिक कर दो। सर सम गर्ल्स आर एक्टर्स, सर सम गर्ल्स आर एक्टर्स बिल्कुल सही बात है, ऑल और सम का रिश्ता चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा, बोथ वन एंड टू फॉलोज इसका आंसर आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करके बता दो, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। बोल रहा साउथ को अगर हम नॉर्थ वेस्ट बना दे तो वेस्ट क्या बन जाएगा, तो जल्दी से करके बता दो। देखिए दोस्त अब इन तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या पता होना चाहिए, अगर हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हैं, नॉर्थ से क्या चलते हैं क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले हमें मिलता है ईस्ट हमेशा और हमेशा, और नॉर्थ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमेशा और हमेशा हमें क्या मिलता है, वेस्ट मिलता है। ये दो चीजें अगर आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन आपके चुटकी में होंगे। कैसे, देखो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं ये बना देते हैं, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया साउथ, ये आ गया वेस्ट। अब बोल क्या रहा है दोस्त, तो अब बोल रहा है कि साउथ जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट बन चुका है, ये क्या बन चुका है, नॉर्थ वेस्ट बना है, यानी कि यहां भी कुछ डायरेक्शन होंगी, सर बिल्कुल होंगी दोस्त। अगर यहां पे डायरेक्शन होगी तो ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, सर ये बन जाएगी आपकी नॉर्थ और ये बन जाएगी आपकी वेस्ट। क्यों, क्योंकि अभी सर आपने बताया कि नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज जाने में सबसे पहले वेस्ट आता है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ से क्लॉकवाइज जाने में सबसे पहले ईस्ट आता है,
तो ये क्या बन जाएगा, साउथ। तो अब पूछा क्या गया हुआ है दोस्त, आपसे पूछा गया कि वेस्ट क्या बनेगा, तो वेस्ट क्या बन जाएगा सर, वेस्ट बनेगा आपका नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। निकल गया क्वेश्चन बहुत आराम से। चलिए जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, आज ये वाला क्वेश्चन हम ट्रिक के साथ करेंगे। कल हमने क्या करा था, कल ये वाला क्वेश्चन हमने बेसिक के साथ करा था। अगर आपको बेसिक समझना है तो पिछले कल वाली वीडियो देखिए मॉक टेस्ट की, वहां मैंने बेसिक समझाया था। आज मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, जो क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाएगा। आओ जरा ट्रिक बताता हूँ। देखो दोस्तों, अगर मॉर्निंग की बात करूं, मॉर्निंग की बात करूं, जब भी शेडो जो है वो कहां पड़ेगी, राइट पे पड़ेगी। कहां पड़ेगी, राइट पे पड़ेगी। तो उसी आदमी का जो फेस है, जिसके राइट या जिसके लेफ्ट पे पड़ेगी, उसी का फेस कहाँ पे हो जाएगा, उसी का फेस हो जाएगा साउथ पे। ये मॉर्निंग की बात है, ठीक है। और अगर शेडो जो है लेफ्ट पे पड़ेगी तो उसी का फेस हो जाएगा कहाँ पे, नॉर्थ पे। और अगर इवनिंग की बात करूं दोस्त, अगर शेडो पड़ रही है कहाँ पे, अगर शेडो पड़ रही है राइट पे, तो उस आदमी का फेस कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ पे, मतलब उल्टा हो जाएगा मॉर्निंग से, ठीक है। और अगर शेडो पड़ रही है कहाँ पे, अगर शेडो पड़ रही है लेफ्ट पे, तो उसका फेस हो जाएगा साउथ। ये है ट्रिक, ठीक है। अब इसको ट्रिक को याद कर लो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है। हाँ जी सर, बोल क्या रहे, बोल रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज जूही वाइल गोइंग टू स्कूल मेट लाली एट बोरिंग रोड क्रॉसिंग, ठीक है। लाली शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ जूही। सर किसकी शेडो है हमें कोई मतलब नहीं, किसके राइट या किसके लेफ्ट में पड़ रहे हैं हमें उससे मतलब है। लाली की शेडो है कोई मतलब नहीं, किसके राइट पे पड़ रही है, जूही के राइट पे पड़ रही है, किसके राइट पे पड़ रही है, जूही के राइट पे पड़ रही है, जूही के राइट पे पड़ रही है। तो जूही का फेस कहाँ हो जाएगा, सर मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय है, अगर शेडो जो है राइट पे पड़ती है तो फेस कहाँ को हो जाता है, साउथ को हो जाता है। यानी कि जूही कहाँ को देखेगी, जूही देखेगी साउथ को। और क्या बोल रहा है, इफ देवर फेस टू फेस तो विच डायरेक्शन वॉज जूही फेसिंग, फेस टू फेस मतलब अगर जूही यहां देख रही है तो लाली कहाँ देखेगी, उसके ऑपोजिट देखेगी। तो आपसे पूछा गया क्या है, जूही का, तो जूही का तो हमने निकाल लिया, जूही का आ गया साउथ। अगर लाली का पूछा जाता तो लाली का क्या आ जाता, नॉर्थ आ जाता। तो ये ऑप्शन आ गया हमारा यहाँ पे साउथ। यहाँ पे जूही का पूछा तो साउथ आएगा, लाली का पूछा नॉर्थ आएगा। क्यों, क्योंकि लाली जो है वो जूही के ऑपोजिट देख रही है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, ये भी 15 सेकंड का क्वेश्चन है, कर लीजिए आराम से हो जाएगा ये भी, ठीक है। ब्लड रिलेशन का कोडिंग में क्वेश्चन है, हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल, बोल रहा है पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, पी हैश क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी स्टार क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। तो ये बनाना तो बना लेते हैं हम, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए हैश बी, ए हैश बी का क्या मतलब हो जाएगा, ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है ना। ये जो होते हैं ये रिलेशन होते हैं, और ये जो अल्फाबेट होते हैं यहाँ पे वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ए हैश बी, ए हैश बी क्या हो जाएगा, ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी बी की। तो बना लिया सर हम। बी डॉलर सी का क्या मतलब हो जाएगा, सर बी डॉलर सी का मतलब हो जाएगा बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है सर। सर सी डॉलर डी का क्या मतलब हो जाएगा, सर सी डॉलर डी का मतलब हो जाएगा सी स्टार डी का, सर सी स्टार डी का मतलब हो जाएगा सी इज द डॉटर ऑफ डी, मतलब सी जो है वो किसकी डॉटर हो जाएगी, डी की। तो डी कौन हो जाएगा, ए का हस्बैंड, ठीक है ना। तो ये लो हमारा बन गया। अब पूछा क्या गया, हु इज द फादर, तो फादर कौन है यहाँ पे, तो डी ही तो फादर अभी निकाला, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करो, आगे चलो। चलिए अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लो करके बताओ। लुक एट दिस सीरीज 1.5, 2.3, 3.1, 3.9। तो कल भी मैंने बताया था जब सीरीज आहिस्ता से ऊपर जाए या आहिस्ता से नीचे आए तो उधर लगता है लॉजिक किसका, एडिशन या सब्ट्रैक्ट का। यहाँ पे सीरीज जो है बहुत आराम आराम से ऊपर जा रही है, 1.3 से 2.3 जा रही है, 2.3 से 3.1 जा रही है, 3.1 से 3.9 जा रही है। तो कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 0.8 ऐड हो रहा है, ठीक है ना। अगर 1.5 में 0.8 ऐड करें तो हो जाएगा 2.3, 2.3 में अगर 0.8 ऐड करें तो हो जाएगा 3.1, 3.1 में अगर 0.8 ऐड करें तो 3.9।
और 3.9 में अगर 0.8 ऐड करते तो कितना हो जाएगा, 4.7, तो सी ऑप्शन आ जाएगा दोस्त। समझ गए, चलिए अगले क्वेश्चन पे। जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन, ये मैंने अभी आपको एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ स्टेटमेंट कंक्लूजन इसी चैनल पे, ठीक है ना, आप वहां जाके देख भी सकते हैं पूरा का पूरा, ठीक है ना, बताया कि कैसे हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहे ओनली गुड सिंगर्स आर इन्वाइटेड इन दी कॉन्फ्रेंस, सिर्फ अच्छे सिंगर्स को कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज अ गुड सिंगर। अब इधर कंक्लूजन क्या निकल रहा है दोस्त, इधर कंक्लूजन निकल रहा है कि स्वीट वॉइस इज इक्वल्स टू गुड सिंगर, ठीक है ना, यही कंक्लूजन निकल रहा है। और सिर्फ इन्हीं को जो है कॉन्फ्रेंस में बुलाया है, और मतलब कि स्वीट वॉइस जिनकी नहीं है, स्वीट वॉइस जिनकी नहीं है वो गुड सिंगर नहीं है, ठीक है, और उनको कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुलाया गया, यही निकल रहा है कंक्लूजन। हाँ जी, तो देखते हैं कंक्लूजन। ऑल इनवाइटेड सिंगर्स इन दी कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वीट वॉइस इज इक्वल टू गुड सिंगर, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, दो सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इन्वाइटेड इन दी कॉन्फ्रेंस। सर उन्होंने खुद ही बोला कि जिनकी जो है स्वीट वॉइस नहीं है वो गुड सिंगर नहीं है, और गुड सिंगर्स जो नहीं है उनको कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, तो दूसरा भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ वन एंड टू फॉलो आ जाएगा। जिस बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो वो हमारी वीडियो देख सकता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाली, वहां से पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्त, 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्सरसाइज इज टू जिम, ठीक है, ईटिंग इज टू, अब कुछ बच्चे यहाँ पे फूड को लगा के आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। बोल रहा है कि एक्सरसाइज कहाँ जाके होती है, जिम के अंदर जाके होती है, तो ईटिंग कहाँ जाके होगी, सर ईटिंग जो है रेस्टोरेंट में जाके होगी, तो इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन, रेस्टोरेंट, ठीक है दोस्त। जरा ये 10 सेकंड का क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स टूवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM एंड ऑब्जर्व्स हिज शेडो टू हिज राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये कैसा क्वेश्चन है शेडो का। देखो दोस्त, यहाँ पे लगेगा बेसिक, और बेसिक के लिए अगर आपने नहीं समझा तो पिछली वीडियो देखो। बोल रहा है एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहा है, तो सपोज अगर एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहा है कितने बजे, सुबह 8 बजे, 8 बजे मतलब कि मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का समय है, तो सूरज कहाँ होगा सर, सूरज होगा ईस्ट पे, अगर सूरज ईस्ट पे है तो शेडो कहाँ पड़ेगी सर, वेस्ट पे पड़ेगी। अब क्या बोल रहा है, एंड ऑब्जर्व हिज शेडो टू हिज राइट, अगर ये यहाँ को जा रहा है इसका राइट कहाँ होगा सर, इसका राइट होगा नीचे को, यानी कि शेडो यहाँ कहीं पड़ रही है सर इसकी, अगर दोस्त शेडो यहाँ पड़ रही है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी सर, ये हो जाएगी वेस्ट, क्योंकि सुबह के टाइम शेडो हमेशा और हमेशा कहाँ पड़ती है, वेस्ट में। अगर दोस्त ये वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ईस्ट, अगर ये ईस्ट है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से क्लॉक वाइज चलने में सबसे पहले ईस्ट आता है। अगर ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ। पूछा क्या जा रहा है कि आदमी कहाँ को जा रहा है, तो आदमी जा रहा है साउथ को, तो ये लो बी ऑप्शन निकल गया। देखा, बेसिक के साथ कोई भी क्वेश्चन निकल जाता है, यहाँ पे ट्रिक नहीं लगनी थी, यहाँ पे ट्रिक में प्रॉब्लम हो जानी थी, लग यहाँ भी जानी थी, बट थोड़ा इशू आ जाना था बच्चों को, पता नहीं चल रहा था। चलिए जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, पंद्रह सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए। देखो दोस्त इधर क्या लगा है, मैंने आपको कल भी बोला था कि जब तक आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं आएंगे तब तक नंबर सीरीज वाले क्वेश्चंस जो होंगे, चाहे एनालॉगी में हो जाए चाहे नंबर सीरीज में डायरेक्ट आ जाए, आपसे नहीं निकलेंगे। देखो अब यहाँ पे ना मेरे को एक चीज साफ साफ दिख रही है, क्या दिख रही है, 65 70 जो है ना किसी स्क्वायर के आसपास है, ये 64 के आसपास है, ये 169 के आसपास है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आ जाएगा 8, ठीक है ना, 3 + 5 करता हूं तो आता है 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में +1 करूं 65 आ गया, ये लो ये निकल गया ऐसे। यहीं पे 8 + 5 करूं तो होता है 13, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और 169 में 1 ऐड करता हूं तो 170 आ जाएगा। अब 50 है तो 50 किसके आसपास दिख रहा है सर, 49 के आसपास दिख रहा है, तो 49 किसका स्क्वायर होता है सर, 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो प्लस देखो किसको करके 7 आ रहा है सर, 2 + 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। अगर 2 + 5 करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49,
49 प्लस 1 करेंगे तो 50 आ गया, लग गया लॉजिक सर, बिल्कुल लग गया, निकल गया क्वेश्चन, बिल्कुल निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 10 सेकंड काफी है, कल ही आपको ये क्वेश्चन समझाया है मैंने, ठीक है ना, आज नहीं समझाऊंगा फिर से, जिसने समझना है कल पीछे जाकर समझ सकता है, ठीक है ना। डॉक्टर क्या बोल रहा है, टू को ऑपोजिट, ठीक है, टू को ऑपोजिट बोल रहा है, तो सारे ऑपोजिट निकाल लेते, सिक्स का ऑपोजिट थ्री, सिक्स का ऑपोजिट थ्री, फोर का ऑपोजिट फाइव, फोर का ऑपोजिट फाइव, वन का ऑपोजिट टू, तो आंसर क्या आएगा, वन आ जाएगा, निकाल लिया हमने, बिल्कुल सही। चलिए जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, 15 सेकंड ले लो इसके लिए। आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संदीप वॉक 60 मीटर टू वर्ड ईस्ट, तो सबसे पहले कहां चलाना है, 60 मीटर ईस्ट चलाना है, तो चला देते हैं, ये आ गया 60 मीटर। अब क्या बोल रहा है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर, अब इसका लेफ्ट कहां को आएगा सर, ऊपर को है, कितना चलना है 50 मीटर, यहां तक चल लेते हैं 50 मीटर। अब क्या बोल रहा है, देन टर्न्स राइट एंड वेंट 70 मीटर, तो यहां से यहां 70 मीटर जाना, तो चल पड़ते हैं 70 मीटर, ठीक है, राइट जाना था राइट ले लिया, देन टर्न राइट एंड वेंट 50 मीटर, ठीक है, तो अब कहां जाना है 50 मीटर, तो 50 मीटर कितना होगा सर, 50 मीटर इधर के आसपास आ जाएगा, क्योंकि ये 50 है तो ये भी 50 है, तो ये लो यहां पहुंच गया सर, पहुंच गया, ये है क्या स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है फाइनल पॉइंट, पूछा क्या जा रहा है, हाउ फार वाज संदीप फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर देख लेते हैं, ये 60 है और ये कितना हो जाएगा सर, ऊपर वाला 70 है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 60 हो जाएगा आपका 130 मीटर, तो आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन, 130 मीटर आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्त, 5 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, पांच चलो 10 सेकंड ले लो। बोल रहा है एक आदमी जो है नॉर्थ वेस्ट को देख रहा है, ठीक है ना, एक आदमी नॉर्थ वेस्ट को देख रहा है, फिर वो एक लेफ्ट लेता है, एक राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, तो सर इसको एक काम करूंगा ना मैं, इसको मैं ट्रिक से निकालूंगा। सर कैसे निकालोगे ट्रिक से, देखो जरा, एक आदमी है वो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट ले लिया, ठीक है सर, उसके बाद एक लेफ्ट लिया, एक राइट लिया, एक राइट और लिया, एक राइट और लिया, तीन राइट लिया और एक लेफ्ट ले लिया, सर एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, बचा गया सर सिर्फ हमारे पास एक ही राइट बचा, तो नॉर्थ वेस्ट का हमें राइट लेना। अब नॉर्थ वेस्ट क्या होता है सर, तो नॉर्थ वेस्ट होता है इधर से, देखो सर, तो ये आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट का क्या लेना है, नॉर्थ वेस्ट का लेना है हमें राइट, तो राइट कहां को जाएगा सर, राइट जाएगा इसका यहां को, तो अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है सर, ये डायरेक्शन आपकी आ जाएगी, देखो जरा सर, ये डायरेक्शन आपकी आ जाएगी नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपकी ये वाली डायरेक्शन आ जाएगी, तो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब ये कैसे करा मैंने, इसकी वीडियो आज ही आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्त, तो आप देख लेना वो मैंने ये ट्रिक कैसे लगाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ऑड वन आउट, तो करो जरा 10 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। आप में से काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बेसिक छोटी छोटी वीडियोस वो आ रही है, ठीक है ना, जिसमें आप अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, हर एक टॉपिक का एक छोटी छोटी वीडियोस आ रही है। सर इधर क्या कर सकते हैं, देखो यार, जब भी मंथ में आए ना, सबसे पहले देख लो कितने कितने डेज का जो है मंथ होता है। सर मई की बात करें तो मई कितने का होता है सर, 31 को मई होता है, 31, वेट अ सेकंड, मई होता है 31 का। अगस्त कितने का होता है सर, अगस्त भी होता है 31 का, ठीक है। जून कितने का होता है सर, जून जो है ना 30 का होता है, जनवरी 31 का होता है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन जून इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे, ठीक है ना, कभी कभार हैंग कर जाता है, कोई बात नहीं, जरा ये करके बताओ। आओ जरा देख, बोल रहा इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज एक्स डी जे एम एन एल, तो लिख लेते हैं एम ओ एन के ई वाई एक्स डी जे, थोड़ा नीचे लिखते हैं यार, आओ जरा एक्स डी
जे एम एन एल। तो सबसे पहले क्या करना सर, नंबरिंग लगा दो। 13, 15, 14, 11, 5 और 25, ठीक है। 24, 4, 10, 13, 14, 12। कुछ लॉजिक दिख रहा है सर? बिल्कुल लॉजिक दिख रहा है सर। ये देखो, इधर से जा रहा है ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ करें -1 हो रहा है सर। ये क्या हो रहा है सर? -1 हो रहा है सर, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है सर। क्रिस क्रॉस में सारा का सारा क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। तो टाइगर का भी हम लगा लेते हैं, TIGER। तो टाइगर का क्या लगेगा? इस तरह से लगा लेते हैं। आर का -1 क्या होगा? आर होता है 18, 18 -1 क्यू आ जाएगा। तो देखो दोस्त, मैं यहीं पे क्वेश्चन रोक दूंगा। क्यों रोकूंगा? क्योंकि क्यू जो है ना, मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन को टिक कर दूंगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन को टिक करूंगा और मेरा क्वेश्चन निकल जाएगा। लो जरा ये करके बताओ, ज्यादा टाइम नहीं लगाना क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन जल्दी उड़ रहा है उड़ा दो, ज्यादा टाइम लगाओगे कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। चलिए अभी क्या बोल रहा है? हैट इज कोडेड एज JCV। तो लगा लेते हैं HAT, JCV। तो H का क्या नंबर होता है सर? H का नंबर होता है 8, A का 1, T का 20, J का 10, C का 3, V का 22। सर देखो, नंबर जैसे ही लगाया ना, हमें पता लग गया कि क्या हो रहा है सर। +2 +2 चल रहा है, +2 +2 +2। तो यहां पे भी लगाते हैं गन पे, GUN। G का 7, U का 21, N का 14, ठीक है। +2 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा I, ठीक है। +2 करेंगे तो 23 आ जाएगा, 23 पे आ जाएगा W, ठीक है। N+2 करेंगे तो 16, 16 पे आ जाएगा P, ठीक है। IWP कहाँ दिख रहा है सर? A ऑप्शन दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 5 सेकंड का क्वेश्चन यार ये, तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये भी। बोल रहे फिजिशियन क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है, तो जज क्या करता है? जज करता है जजमेंट। पनिशमेंट नहीं देता जज, जज करता है जजमेंट, ठीक है ना। जजमेंट के अंदर आती है पनिशमेंट, या छोड़ना जो है वो जजमेंट के अंदर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लो भाई जरा ये करके बता दो, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अमित सेड, अमित क्या बोल रहा है? अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है अमित? दिस गर्ल इज दी वाइफ ऑफ दी ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। तो दोस्तों एक काम करते हैं ना, शुरू कहां से करना है सर? माई से करना है, तो कर लेते हैं माई से शुरू। तो ये आ गया अमित, ये आ गया कौन? अमित। तो बोल रहा है माई मदर यानी कि अमित की मदर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ग्रैंडसन ऑफ माई मदर यानी कि वो कौन हो जाएगा? अमित का बेटा हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? दिस गर्ल इज दी वाइफ ऑफ ग्रैंडसन। तो ग्रैंडसन कौन है? ग्रैंडसन ये बंदा है, तो इसकी वाइफ आ गई है। तो यही गर्ल है जिसके बारे में बात कर रहा है अमित। हाँ जी सर। अब बोला क्या जा रहा है? हाउ इज अमित रिलेटेड टू दिस गर्ल? सर अमित जो है वो गर्ल का कौन लगा? गर्ल कौन है? ये है। तो ये देखा जाए अमित की कौन है? ये है सर डॉटर इन लॉ। तो अमित इसका क्या लगा सर? अमित इसका या तो फादर इन लॉ लगा या मदर इन लॉ लगा, क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता। पर ऑप्शन में क्या दिख रहा है? फादर इन लॉ। तो अमित क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और टिक करो फादर इन लॉ, ठीक है दोस्त। चलिए आगे, ठीक है ना। जेंडर कभी खुद हम एज्यूम नहीं करते, ठीक है ना, ज्यादातर क्वेश्चंस में। फिर हम जेंडर एज्यूम करते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जेंडर एज्यूम करा, ठीक है ना, अपनी मर्जी से नहीं करा मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन पे। लो भाई ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, 10 सेकंड इसके लिए काफी है। बोला क्या जा रहा है? दिल्ली श्रीलंका एशिया का क्या रिश्ता है? सर देखो, जितना भी श्रीलंका है सारा का सारा एशिया के अंदर आएगा, जितना भी दिल्ली है सारा का सारा एशिया के अंदर आएगा, बट दिल्ली और श्रीलंका का कोई रिश्ता नहीं होगा। मतलब सर इधर रिश्ते पता क्या लग रहे हैं? ऑल ऑल और नो का रिश्ता लग रहा है, ठीक है। तो ऑल ऑल नो का रिश्ता क्या लगेगा सर? ये वाला रिश्ता जो है, फिफ्थ ऑप्शन जो है ना, ये लग रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। इसको हम दिल्ली मान लेते हैं, इसको हम श्रीलंका मान लेते हैं, और दिल्ली और श्रीलंका आपस में अलग अलग है। तो आ जाएगा फिफ्थ ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन। टेबल्स, वुडन ऑब्जेक्ट्स, चेयर। सर देखो, इसको मैं सीधे समझा देता हूं। सर देखो,
पर कुछ टेबल्स जो हैं वो वुडन ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ टेबल ऐसे भी होंगे जो मेटल होंगे, कुछ चेयर्स जो हैं वो क्या होंगी, वुडन ऑब्जेक्ट्स होंगी, और कुछ चेयर्स ऐसी होंगी जो मेटल की होंगी, जो प्लास्टिक की होंगी। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, अगर सम 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 का केस लग रहा है तो ये आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना दोस्त। देखो टेबल जो है कभी वुडन ऑब्जेक्ट होंगे सम, चेयर जो है कुछ चेयर जो है वुडन ऑब्जेक्ट होंगी, बट टेबल और चेयर का आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा। अब ये मत बोलना सर आज के टाइम पे ऐसी चेयर आती हैं जो टेबल बन जाती हैं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आपके आज के 20 क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगेंगे। तो आज की वीडियो के लिए दो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।